नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, जिस प्रकार से सर्दी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, बारिश का मौसम है, वैसे ही त्योहारों का मौसम होता है। और अभी सर्दी में जब बारिश आ जाती है तो मावठ का मौसम हो जाता है। तो दोस्तों, इस समय जो मौसम है, इस समय जो बॉलीवुड में जो मौसम है, वो है टीजर ट्रेलर रिलीज करने का मौसम। जी हाँ दोस्तों, लगातार एक के बाद एक चार टीजर या ट्रेलर आने वाले है, लगातार 4 दिन तक। और बड़ी बड़ी फिल्मों के ट्रेलर टीजर है, इसी के बारे में मैं आपको जानकारी इस वीडियो में दे देता हूँ, ताकि आप कोई सा भी ट्रेलर मिस नहीं कर सके, समय पर देख सके, और मेरे चैनल पर उन सभी टीजर या ट्रेलर का रिव्यू भी आप देख सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 22 तारीख को यानी कि कल ट्रेलर आने वाला है सेल्फी फिल्म का, जिसमें अक्षय कुमार तथा इमरान हाशमी प्रमुख भूमिका में है। राज मेहता ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। अक्षय कुमार के लिए 2022 अच्छा नहीं रहा था, इस फिल्म से उनको काफी उम्मीदें हैं। ड्राइविंग लाइसेंस एक मलयालम फिल्म है, उसका ये हिंदी रिमेक है। इमरान हाशमी और अक्षय कुमार की जबरदस्त फिल्म बताई जा रही है, और राज मेहता एक अच्छे डायरेक्टर है। गुड न्यूज और जुग जुग जियो उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस में सफल रही है, तो उम्मीदें हैं। अक्षय कुमार को भी उम्मीदें हैं, और इस फिल्म का ट्रेलर 22 तारीख को आप देख सकते हैं, 22 तारीख को रिलीज किया जाने वाला है। दोस्तों, इसके अगले दिन 23 तारीख को तू झूठी में मक्कार, इस फिल्म का ट्रेलर आ रहा है। तू झूठी में मक्कार आपने नाम सुना होगा, रणवीर कपूर तथा श्रद्धा कपूर इसमें मेन लीड रोल में, ललव रंजन की ये फिल्म है, तो काफी उम्मीद है। इस फिल्म से भी एक टीजर पसंद किया गया था, इसका छोटा सा टीजर जारी किया गया था, तो इसका आप ट्रेलर 23 तारीख को देख सकते हैं, इसके भी काफी उम्मीदें की जा सकती है। और दोस्तों, 24 तारीख को एक बहुत बड़ी फिल्म का टीजर आने वाला है, सेकंड टीजर। एक टीजर आप देख चुके हैं, फिल्म का नाम है भोला, अजय देवगन डायरेक्ट कर रहे हैं, और जिस प्रकार से उनका लुक आया था, बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन लुक था। फिर तब्बू का लुक जारी किया गया था, एक टीजर पहले भी आप देख चुके हैं, बहुत जबरदस्त इसमें स्टंट सीन है, बहुत जबरदस्त एक्शन सीक्वेंसेज है। अजय देवगन का भयंकर या आप कह सकते हैं खतरनाक रोल है, बवाल रोल है। तब्बू उनके साथ है, तो इनकी ये सुपरहिट जोड़ी है। अभिषेक बच्चन का ये कैमियो है इसमें, दीपक डोबरियाल है, इसके अलावा अमला पाल है, तो काफी जबरदस्त फिल्म है। इसके विजुअल्स बहुत ही खतरनाक लग रहे हैं, और ये कहते कि हिंदी रिमेक है, तो इस फिल्म से बहुत उम्मीद है अजय देवगन को। और इस फिल्म का जो आपको टीजर देखना है, सेकंड टीजर, वो 24 तारीख को जारी कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, एक बात बता देता हूँ आपको कि 25 तारीख को एक और बड़ी फिल्म का टीजर जारी किया जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सलमान खान भाईजान, जिनकी अभी पिछली फिल्म अंतिम आई थी, जो इसमें उनका एक एक्सटेंडेड कैमियो था, बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा नहीं चली थी। 2019 में शायद उनकी कोई बड़ी फिल्म आई थी, उसके बाद में कोई फिल्म आई नहीं है, तो अब बड़ी फिल्म लेके आ रहे हैं, किसी का भाई किसी की जान। अप्रैल में रिलीज हो रही है, ईद के अवसर पर रिलीज होगी फिल्म, तो इस फिल्म की अब हलचले तेज हो गई है। इसका एक टीजर जारी किया जाने वाला है, 25 तारीख को आप इस फिल्म का टीजर देख सकते हैं। फरहाद सामजी फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, और इसमें पूजा हेगड़े है, शहनाज गिल है, और भी दोस्तों कई बड़े बड़े कलाकार है, तो इस फिल्म से काफी उम्मीदें सलमान खान को है कि वो भी शाहरुख खान की जिस तरह से पठान की एडवांस मूविंग चल रही है, तो सलमान खान भी क्या पता इस फिल्म से जबरदस्त वापसी कर ले, ऐसी उम्मीदें की जा रही है। तो इसका टीजर आप 25 तारीख को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया, आपको सबसे ज्यादा टीजर या ट्रेलर का किसका इंतजार है, और इन चारों फिल्मों में से कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाने वाली है, आप अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, जय श्री राम।